चमगादड़ पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं। पेड़ों की डाली अथवा अंधेरी गुफाओं के अंदर उल्टा लटके रहते हैं। इनको दो समूहों में विभाजित किया जाता है, फलभक्षी और कीटभक्षी, जिसमें पहला समूह है फलभक्षी, जो बड़े चमगादड़ का होता है। ये देखकर और सूंघकर अपना भोजन ढूंढते हैं, जबकि दूसरा समूह कीटभक्षी छोटे चमगादड़ का होता है, जो प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण विधि के द्वारा अपना भोजन तलाशते हैं। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो दिन और रात दोनों में उड़ सकता है। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसके पास अनूठी शारीरिक क्षमताएं होती हैं। वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन जगहों पर भी रह सकते हैं जहां किसी शिकारी की पहुंच नहीं हो सकती। आपने अक्सर यह देखा होगा कि चमगादड़ सोने के लिए खोखले पेड़ में खुद को उल्टा लटका लेते हैं और अपने पंख को शरीर के चारों ओर लपेट लेते हैं, क्योंकि उल्टे लटके रहने से वे बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। पक्षियों की तरह वह जमीन से उड़ान नहीं भर पाते, क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं। जब वे हवा में लटक कर सोते हैं तो उन्हें उड़ने में आसानी होती है। चमगादड़ ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए अपने सामने के पंजे का इस्तेमाल करते हैं। उल्टा लटक कर वे खुद को शिकारियों के चुंगल से भी बचा पाते हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि चमगादड़ उल्टा लटकने के बाद भी गिरते क्यों नहीं है। दरअसल उनके घुटने पीछे की ओर होते हैं और जब वे आराम करते हैं तो विशेष टैंडर पैन की उंगलियों और पैरों को बंद कर लेते हैं। वे लटकते समय ऊर्जा नहीं लगाते। जब उनके पैर की उंगलियों और पैरों की डालियों या जगह में बंद कर दिया जाता है, तब उनके शरीर का वजन और गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें लटकाए रखता है। पैर की मांसपेशियों को फ्लेक्स करने से पैर की उंगलियां और पंजे छूट जाते हैं और उड़ान शुरू हो जाती है।